फैनआउट टीवी यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गो सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज धन त्रयोदशी है, कुछ लोगों ने कल मना ली, कुछ आज मना रहे हैं, कुछ तिथियों का इस बार हेर फेर है, कुछ लोग दीपावली कल मना रहे हैं, कुछ परसों मनाएंगे, पर अधिक ज्योतिषियों का मत धन त्रयोदशी आज है ऐसा कह रहे हैं। धन त्रयोदशी का आम तौर पर लोग अर्थ ये लगाते हैं कि आज के दिन धन बरसता है। ग्रामीण अंचल में माताएं आज के दिन धन लेने जाती है, जो समीप निकटस्थ आपकी खनन क्षेत्र होता है मिट्टी का, लेपन वाली मिट्टी का, वो मिट्टी लेकर के आती है, कहती है कि धन लाए हैं। बात तो ठीक है, लेपन की मिट्टी यानी कि स्वच्छता, जहां स्वच्छता रहेगी वहां धन रहेगा, लेकिन पहला धन कौन सा? निरोगी काया, स्वास्थ्य, हेल्थ इज बेस्ट वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे उत्तम धन है। आजकल वो सोने चांदी के और कागज के टुकड़ों को बड़ा धन समझ बैठे हम, असली धन हमारा स्वास्थ्य है, और वो भी कौन सा स्वास्थ्य? मन का स्वास्थ्य। शरीर तो ठीक है, ऊंचा नीचा होगा चलेगा, कभी बुखार आ गया, कभी जुकाम हो गया, कभी खांसी हो गई, ये सब चलता रहेगा, ये बड़ा मुद्दा नहीं है। मन स्वस्थ रहना चाहिए, जिसका मन स्वस्थ है वह मनुष्य पूरे विश्व को सुख दे सकता है, जिसका मन अस्वस्थ है वो सबको दारुण दुख देता है, घर वालों को, पड़ोसियों को, परिजनों को, सबको दुख देता है। मनोरोगी सबको परेशान करके रख देते हैं। कंस क्या था? मेंटल पेशेंट। रावण क्या था? मेंटल पेशेंट। हिरण्यकश्यप क्या था? मनोरोगी। ये जितने भी डॉन होते हैं, जितने भी आतताई होते हैं, जितने भी आतंकवादी होते हैं, ये सब क्या है? मनोरोगी है, मानसिक रूप से बीमार है या मानसिक रूप से विकलांग है, इसलिए वो ऐसे ऐसे कृत्य करते हैं जिसे दुनिया दुखी हो जाती है। मन स्वस्थ रहना इसलिए आवश्यक है, हमारा मन स्वस्थ रहेगा तो मोहन भी मन में आकर के बैठेगा,